राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम रेंगा कठेरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 405 हेक्टेयर जमीन हा छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग के नाव में आवंटित करे गए हैं, जिनमें केंद्र सरकार की योजना ले पावर प्लांट बनाए के काम जारी है, जिक्र विरोध में जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव के अगुवाई में ग्रामीण मन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे। रेंगा कठेरा और आसपास के ग्रामीण मन के कहना है कि रेंगा कठेरा में खसरा नंबर 940 के पहाड़ी जमीन जिनमा गण माता के मंदिर है और साल में दो बेर नवरात्रि मेला घलो लगाए जाते, जहां पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए रही से जिन्हा अब पेड़ बन चुके हैं और पर्यटन स्थल जैसे बन गए हैं। संग में ये जगह गांव के मवेशी मन के एकमात्र चारागाह आए, जिला पावर प्लांट पर इस्तेमाल करे ले मवेशी मन पर चारागाह नहीं रह जाही और माता के दर्शन करे पर अवैया श्रद्धालु मन के आस्था लघलो ठेस पहुंची। जिला पंचायत के सदस्य महेंद्र यादव बताई कि ग्राम पंचायत में एकर विरोध में प्रस्ताव घलो बनाए जा चुके हैं और आगु ग्रामीण मन के मांग पूरा नहीं हो ही तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मन आंदोलन करही। मैं कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे जो गांव हैं वहां पहाड़ी है, जहां पे लगभग 400 हेक्टेयर में सोलर पावर मेगा प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं सरकार। तो हमारा ये कहना है कि वहां पे मवेशियों के लिए चरने के लिए चारागाह है और मंदिर भी स्थापित माँ गढ़ माता मंदिर का, जहां पे हजारों की ग्राम सभा में इस संबंध में कुछ प्रस्ताव लाए हैं। हाँ, तो हमारे ग्राम सभा में भी अनुमोदित किया है और प्रस्ताव लाए हैं कि इसका विरोध करते हैं। डेढ़ी रेंगा कठेरा मामला ये है कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना वहाँ पर की जा रही है, जिसमें जो चारागाह जमीन है लगभग 405 हेक्टेयर ये जमीन वहाँ पर प्रभावित हो रही। तो किसानों का कहना है कि हमारे मवेशी जो हैं मवेशी के लिए फिर चारागाह के लिए जगह नहीं बचेगी, उसके साथ साथ वहाँ पर गणमाता मंदिर है, गढ़माता मंदिर प्रभावित हो रहे हैं।